अपनी संरक्षण को लेकर अब वकीलों में भी कहीं ना कहीं डर सताता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 की ओर से एक वकील परिषद का आयोजन किया गया, जहां वकीलों पर हो रहे अत्याचार के साथ साथ उन पर हो रहे हमलों से किस तरह बचा जा सके, इस पर चर्चा की गई। मुंबई के विक्रोली कनमवार नगर में आयोजित इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर ने सभी का मार्गदर्शन किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर ने इस सभा को संबोधित कर वकीलों के न्याय हित में बात कही। इस तरह से वकीलों के साथ मिलकर अब राजनीति में भी अपनी साझेदारी निभाने की बात कही, ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। इस वकील परिषद के आयोजन सुंदर नायडू ने बताया कि 150 से अधिक वकीलों ने इनके साथ जुड़कर समाज के लिए काम करने की बीड़ा उठाई है, ताकि जिस तरह से राजनीतिक दल दलित और पिछड़े लोगों को भ्रमित कर अपना फायदा उठाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा सके। सबूत लोगों
हिम्मत फैला रहा है। आज सामाजिक मानवीय जर आप विषय बघितला तर आज 10 वकिलांची संख्या आमच्या पूर्ण देशभरामध्ये 10 लाखांवर गेली आहे। किंवा माझा हा बोर्डाचा परीक्षेला बसलेला आहे का, तुझा नातेवाईक